तो समय हमें पढ़ना है आज ट्री सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, ट्री सिस्टम के लिए हम वायरिंग बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं फेज वायर के लिए जो है कि रेड पेन का यूज करूंगा और न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक पेन का यूज करूंगा, जिससे आप लोग को समझने में काफी आसानी होगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। ये हुआ फेज, एक हमने यहां पर स्विच बना दिया है। आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं आईई रूल के अनुसार हम जो है कि फेज वायर में क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। तो मैं भी फ्यूज लगा दे रहा हूं। ये देखिए फ्यूज हो गया। पहले ही हम देखिए सर्किट में फ्यूज लगा देते हैं, फ्यूज हो गया। अब फ्यूज के बाद देखिए दोस्तों, अब जैसे कि यहां से हम किसी एक कमरे में जो कनेक्शन देंगे तो वहां पे तारों में जोड़ आएगा, तो जोड़ के लिए मैं लगा देता हूं एक लिंक, जिससे कि हम तारों को जोड़ सकें। देखिए दोस्तों, ये तार का सिरा इस पेंच में हम कस देते हैं और तथा जो है कि ये लास्ट वाले पेंच से हम फिर कनेक्शन आगे ले जाते हैं आगे वायरिंग के लिए, और इस बीच वाले में जोड़ के हम जो है कि कोई यदि घर में कोई बोर्ड वोर्ड लगाना है तो जो है कि इसमें हम कनेक्शन दे देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर जिसे मैं बताया था मैं ब्लैक पेन यूज करूंगा, तो मैं ब्लैक पेन यूज करने जा रहा हूं। देखिए न्यूट्रल वायर को जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, न्यूट्रल लिंक का। तो ये दोस्तों हो गया न्यूट्रल लिंक का सिंबल। तो ये हमने बना दिया न्यूट्रल लिंक। अब न्यूट्रल लिंक बनाने के बाद अब फिर हम लिंक लगाएंगे जो कि जिससे कि तार को जोड़ा जा सके। तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि हमें यहाँ पे एक कनेक्शन देना है, तो फेज वायर को मैं रेड से बनाऊंगा। ये मान लीजिए हम लोगों ने फेज वायर का कनेक्शन यहाँ से ले लिया। अब लेने के बाद देखिए दोस्तों, अब हम किसी कमरे में जा रहे हैं लगाने, तो एक कमरे में फ्यूज चाहिए, तो यहाँ मैं एक फ्यूज बना दे रहा हूँ। ये हो गया फ्यूज। अब फ्यूज के बाद देखिए दोस्तों, मान लीजिए हम स्विच लगा रहे हैं, तो स्विच हम हमेशा किस में लगाते हैं, फेज में लगाते हैं। तो ये मैं स्विच में जो है कि फेज में स्विच लगा दिया। अब जो है कि इसका कनेक्शन दोस्तों, अब एक हम सॉकेट, मान लीजिए हम सॉकेट लगाए हैं, तो सॉकेट से हमने इसका कनेक्शन दे दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो न्यूट्रल तार जुड़ेगा, इस सिरे पे न्यूट्रल तार जुड़ेगा और यहां तक फेज रहेगा। तो अब न्यूट्रल को हम ब्लैक से बना देते हैं। ये आपका आएगा तो इस फेज में जुड़ेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, आगे न्यूट्रल में आपके जुड़ गया, तो ये हो गया। अब देखिए इसका कनेक्शन वृक्ष प्रणाली का मतलब क्या होता है, जैसे किसी जड़ से, पेड़ का एक जड़ हो गया, तो जड़ से फिर एक जो है कि पेड़ निकलता है, तो उसकी शाखाएं टूटती जाती है ना, ऐसे टूटती जाती है। देखिए जैसे ये कोई वृक्ष आपका हो गया, तो उसकी शाखाएं ऐसे अगर टूटी, ऐसे टूटी, तो फिर इनमें से भी शाखाएं टूटने लगती है, ऐसे ऐसे शाखाएं टूटने लगती है ना ऐसे, तो यही जो है कि इसका कनेक्शन ऐसे ही जाता है। हर एक वायरिंग से, हर एक कनेक्शन से भी उसका एक कनेक्शन निकलते जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं आगे। मान लीजिए इस एक कमरे में हम लोगों ने कर दिया, अब आगे चलते हैं देखते हैं। तो आगे एक मान लीजिए हम लोगों ने एक और लिंक बनाया, तो देखिए अब इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं कि मान लीजिए हमें और दूर जाना है और दूसरे कमरे में या लास्ट तक हमें वायरिंग करना है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए हमें अब यहाँ पे कोई वायरिंग करनी है, तो ये न्यूट्रल तार है, तो न्यूट्रल तार में हम मान लीजिए सॉकेट का एक पॉइंट हम जोड़ देते हैं,
मान लीजिए यहाँ दो सॉकेट है। ड्राइंग में हम देखिए फ्रेंड्स सॉकेट बना के दिखा रहे हैं, वैसे सॉकेट की जगह पे आप लोग कोई और भी चीज आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए आपका हो गया एक स्विच लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ तो आपका फेज वायर आएगा ना, तो यहाँ पे मैं रीड कर दे रहा हूँ, ये रीड रहेगा। आपका न्यूट्रल से टच नहीं होगा, नहीं तो आपका शॉर्ट कर जाएगा, आपका जो लाइन है वो शॉर्ट कर जाएगी। देखिए ये ऐसे सा कनेक्शन होता है दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं, यदि आगे हमें अगर और हमें कनेक्शन करना है, और देखिए यहां हम जो फेज वायर लेके आए हैं तो हम यहां पर भी एक फ्यूज लगा सकते हैं, ये ऐसे हम फ्यूज लगा सकते हैं, ठीक है, ये फ्यूज हम लगा सकते हैं यहाँ पर भी। अब चलिए हम आगे चलते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक फ्यूज लगाते हुए, एक फ्यूज हम लोग यहाँ लगा दिए फ्यूज, यहाँ पे हम स्विच लगा दे रहे हैं। ये आपका हो गया सॉकेट। तो देखिए दोस्तों यही आपका होता है ट्री सिस्टम। ट्री सिस्टम की वायरिंग ऐसे ही की जाती है। तो आइए जान लेते हैं ट्री सिस्टम हम अपने घरों में उपयोग क्यों नहीं करते। देखिए ट्री सिस्टम की तो बनावट ये हो गई वायरिंग कनेक्शन, लेकिन ट्री सिस्टम हम उपयोग इसलिए नहीं करते दोस्तों कि देखिए परिपथ में कई जोड़ पड़ जाती है। नंबर वन ये है, परिपथ में कई जोड़ पड़ती है। देखिए जैसे यहाँ जोड़ पड़ी, यहाँ जोड़ पड़ी, ये सब क्या है, ये सब जोड़ ही तो है, परिपथ कई जोड़ पड़ जाती है, तो ये वायरिंग देखने में अच्छा नहीं लगता है। अब दूसरी इसकी हम जानते हैं डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो है कि खराबी आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ये जो है कि परिपथ, ये सर्किट खराब बहुत जल्दी होता है। अब जानते हैं अगला क्या है। देखिए जो है कि यदि ये खराब होगा तो कहीं एक जगह से यदि हम इसकी हम रिपेयर करेंगे, बनाएंगे इसको हम, तो साथ ही यहां से कट करके हमें बनाना पड़ता है। जैसे जो खराब है वो उसकी लाइट तो कटी ही है, साथ में और लोगों की लाइट कट जाती है, जो लोग सही हैं उनकी भी लाइट काटनी पड़ती है। तो इसका हो गया एक खराबी, तो ये हो गया। और देखिए इसका जो है कि दोस्तों देखिए यदि फ्यूज इधर, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें फ्यूज भी देखिए आपके इधर उधर बिखरे रहते हैं। देखिए फ्यूज एक यहाँ फ्यूज है, एक यहाँ फ्यूज है, एक यहाँ फ्यूज है, फ्यूज भी आपका अच्छे तरीके से नहीं लगा है, इधर उधर लगाए हैं हम। और देखिए सबसे बड़ा इसका जो है कि डिसएडवांटेज यह है दोस्तों कि इसमें बोल्टता जो है सभी बोर्ड में बोल्टता समान नहीं रहती। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे तो वोल्टेज आपका ठीक ठाक रहेगा, ज्यादा रहेगा, लेकिन जैसे ही आप लास्ट तक, एंड तक आप चलते जाएंगे वायरिंग को लेकर के अपने, लास्ट में आपकी बोल्टता कम होती चली जाती है, आपकी बोल्टता घटती जाती है, जिससे हमारे लास्ट का जो हम उपकरण चलाएंगे, बिजली उपकरण, उसको कम वोल्टेज मिलेगा और वो अच्छे से जो है कि चलेगा नहीं आपका। तो यही सब है, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों।